साथ संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। 24 घंटे के अंदर ही मुखिया रंजीत शाह हत्याकांड का किया खुलासा। सहरसा जिले की सौर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुराई पंचायत के निवर्तमान मुखिया रंजीत शाह की अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसी का खुलासा करते हुए एसपी लिपिंग सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि तीन अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम रंजीत यादव, दीपक यादव एवं जीवन पोदार, तीनों सहरसा जिले के ही रहने वाले हैं। इन सब पर पुराना ऐतिहासिक अपराध भी दर्ज है। यह पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर के भाड़े के अपराधी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और बचे हुए अपराधी का भी अविलंब गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और प्रशासन छानबीन में जुटी हुई है। सूचना मिली थी खजुरी के जो वर्तमान मुखिया रंजीत कुमार शाह है, जिनकी उम्र करीब 32 वर्ष थी, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी है कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों ने। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित किया उन लोगों को कि घटना क्यों हुई और किन्होंने की है। इस क्रम में एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें 5 प्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए हैं, उनमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। और ये घटना जो है चुनावी रंजिश की वजह से हुई है, और जो करंट मुखिया है और जो पूर्व मुखिया है उनके बीच में एक टसल सा चल रहा था। जब से रिजल्ट आया था, इसमें रंजीत यादव जो कि खजुरी का ही है उनकी गिरफ्तारी हुई है, दीपक यादव जो कि लक्ष्मीनिया का है, और जीवन पोदार जो कि पूर्व मुखिया खजुरी पंचायत है, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने एडमिट भी किया है कि ये जो हत्या है ये सिर्फ चुनाव हारने की वजह से जो वो थी फ्रस्ट्रेशन में ये किया गया है। और दीपक यादव कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकला है और यही इसी ने वो सुपारी ली थी। हत्या का कारण क्या था? चुनावी रंजिश, पंचायत चुनाव। सुपारी किसने दिया था? ये रंजीत यादव और जीवन पोदार ने। कितने की सुपारी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।